मसूरी उफतारा के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सभी लोगों को संयुक्त रूप से गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का प्रयास करना चाहिए था। वहीं उत्तराखंड राज्य के गठन के समय में ही गैरसैंण को राजधानी बना देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि गैरसैंण आज ही उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बन जाए, लेकिन उसके लिए उत्तराखंड की जनता और राजनीतिक दलों का सहयोग चाहिए। गैरसैंण को मैं तो चाहूँगा कि आज ही स्थायी राजधानी घोषित हो जाए, लेकिन घोषित करने का काम जो है वो सरकार का और यहाँ के राजनीतिक दलों का है। राजनीतिक दल जितने हैं वो एकजुट होकर के सरकार को दबाव बनाएंगे, तो उसमें तो सरकार को मानना पड़ेगा। और दूसरी थोड़ा सा जो हमारी उत्तराखंड की जनता है उसका और आप सब लोगों का भी, जिस तरह से आप सब लोगों ने राज्य के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और उसी तरह से अगर स्थायी राजधानी के पक्ष में भी माहौल बनाने में आप लोगों का सहयोग रहेगा, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं होगा जब गैर स्थायी राज समझता हूँ। जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उसमें कुछ असमानता जो हमारी पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ रही है, उत्तर प्रदेश में अधिक है, हमारे यहाँ कम था, उसी तरह से और हरियाणा का भी वही स्थिति है, तो वो समान एक रूप पर लाने का प्रयास सरकार कर रही होगी। और दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि इस पर भी हमको गहराई से मनन करना पड़ेगा, जो हमारी आर्थिक प्रदेश की स्थिति है, सरकार भारत सरकार के बजट पैटर्नों को चेंज करने के बाद जो नुकसान प्रदेश को हुआ है उसके अनुसार जो तमाम विकास कार्यों में रुकावटें आने लगी हैं।